हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो जो है आप देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रिलायंस डिजिटल जो है इसके बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, बहुत सारे पोस्ट है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, कौन कौन पोस्ट जो कि यहाँ पे निकला हुआ है, किस किस तरह की क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आप लोग को बताऊँगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं रिलायंस डिजिटल जो कि एक रिलायंस ब्रांड कंपनी के एक और एक डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी आप लोग को बताऊँगा किस तरह से आप पा सकते हैं रिलायंस में जॉब। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे इसका जो ऑफिशियली लिंक है रिलायंस कंपनी के, इसके अंदर आपको जाना होगा। कोई भी थर्ड पार्टी जो ऐप है आपको वहाँ पे नहीं जाना होगा। आप इस ऑफिशियली जो लिंक है मैं दे रहा हूँ, दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके जो कि इसको अप्लाई करना होगा। तो इस पेज में आने के बाद आपको जॉब सर्च जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है रिलायंस डिजिटल में, तो उसका जो डिटेल्स है यहाँ पे चला आएगा। इसमें चला आने के बाद आपको मैं अभी वन बाय वन जो कि आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो फुल प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पे निकला हुआ है कमर्शियल एग्जीक्यूटिव डिजिटल कर्नाटका, जिसका बिजनेस है रिलायंस डिजिटल और फैमिली है डिजिटल स्टोर, फंक्शनशियल एरिया जो कि है स्टोर ऑपरेशन, एंड लोकेशन जो है बेंगलोर कर्नाटका। तो दोस्तों, इसके बाद जो है स्टोर मैनेजर रिलायंस डिजिटल बेंगलोर, बिजनेस है रिलायंस डिजिटल, फैमिली है डिजिटल स्टोर, फंक्शनशियल एरिया जो है स्टोर ऑपरेशन, लोकेशन है बेंगलोर कर्नाटका। उसके बाद है डिपार्टमेंट मैनेजर डिजिटल कर्नाटका, जिसका भी सेम आपको रहेगा, लोकेशन रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में। उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर डिजिटल कर्नाटका, इसका भी जॉब लोकेशन रहेगा इसका बेंगलोर कर्नाटका में। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव एजर वेस्ट, जिसका नवी मुंबई या मुंबई में आपको जॉब मिलेगा, इसका जॉब लोकेशन रहेगा। और ह्यूमन रिसोर्स और एचआर आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगा। इसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव एचआर ऑपरेशन एंड एडमिन, जिसका जॉब लोकेशन मुंबई में रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एडमिन एग्जीक्यूटिव, जिसका आपको जॉब लोकेशन रहेगा मध्यम ग्राम में भी, इसका वेस्ट बंगाल में है इसका। उसके बाद जो है यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव मर्चेंडाइज, जिसका जॉब लोकेशन रहेगा आपका मुंबई में। उसके बाद है एएम ई कॉमर्स, जिसका जॉब लोकेशन है मुंबई में। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे जो कि पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है वन बाय वन आप लोग आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको अप्लाई में क्लिक करना होगा। अप्लाई में क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाएगा एग्जाइटिंग जो कि यूज़र है, जो पहले कर चुका है रजिस्टर, और जो न्यू यूज़र है आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अगर आप न्यू यूज़र है। और अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके तो आपको जो एग्जिस्टिंग यूज़र है आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद न्यू यूज़र में जब चलाएगा पेज, वो वहाँ पे एक छोटा सा पेज जो है आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा, जिस पेज में आपको मिलेगा आपका आपका यूज़र आईडी देना होगा, आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फर्स्ट नेम देना होगा, यहाँ पे एक छोटा फॉर्म दिया हुआ है पर्सनल डिटेल, जिसको आपको फिलअप करना होगा। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट जो नंबर है आपका मोबाइल, वो भी वो देना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन के पेज आएगा, इस पेज को पेज को भी आपको जो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है एडुकेशनल लेवल, आपको यहाँ पे लेवल जो है कौन से पोस्ट के लिए, सॉरी आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे देना होगा। आप हाई SSC या हाई स्कूल, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है आपका डिग्री यहाँ पे सब देना होगा। उसके बाद आपका एडुकेशन एस्टेब्लिशमेंट जो कि है यहाँ पे वो देना होगा, आप कौन किस में जो कि यहाँ पे कर चुके IIT या डिफेंस इंस्टीट्यूट, क्या से क्या कर चुके आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो देना होगा।
उसके बाद आपका एडुकेशनल या कोर्स जो है यहाँ पर वो देना होगा, इंस्टीट्यूशन कौन सा इंस्टीट्यूशन से आप कर चुके हैं आपको वो देना होगा, उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर जो है यहाँ पे वो देना होगा, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस उसमें क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है आपको यहाँ पे फ्रेशर जो है यहाँ पे देना होगा। तो अगर एक्सपीरियंसड है आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपको यहाँ पे वो देना होगा, उसके बाद इंडस्ट्री जो है यहाँ पे देना होगा, जॉब रोल क्या है यहाँ पे देना होगा, टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना था आपको यहाँ पे देना होगा, कौन से कंट्री से वो काम कर चुके हैं आपको यहाँ पे वो देना होगा, उसके बाद आपको स्टेट सिटी यहाँ पे देना होगा, अदर डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, विल यू टू रिलोकेटेड यहाँ पे वो देना होगा, उसके बाद आपका सीवी जो या रिज्यूम जो है यहाँ पे वो देना होगा, रिज्यूम या सीवी जो कि है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो जो ऑप्शन है यहाँ पे वो क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा, उसके बाद जो कि है आपको वेट करना होगा, अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्टेड होता है फॉर दिस पोस्ट तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आपको अगर पास कर जाते हो तो यहाँ पे आपको अगर जो जॉब है यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम या कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, आपको क्या जस्ट इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आप क्या जो रिलायंस डिजिटल कंपनी है सॉरी डिजिटल डिजिटल जो स्टोर है यहाँ पे आपका जो जॉब है मिल सकता है। तो अगर आज की वीडियो ये आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को, इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।